गाइस वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम। यहाँ पर अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का मैच हो रहा है इजिप्ट वर्सेस घाना के बीच 1:30 बजे। एंड बात करें, देखिए इजिप्ट टीम ने पिछला मैच बहुत अच्छा जीता था, लेकिन घाना टीम मेरे को यहाँ पर भी स्ट्रांग नज़र आ रही है। मतलब ये दोनों टीम्स मुझे अच्छी लग रही हैं, लेकिन इजिप्ट का परला यहाँ से भारी है कि उनकी टीम के अंदर प्रीमियर लीग का एक प्लेयर जो टॉप 5 गोल स्कोरर में, जिसका कंटिन्यू 3 साल से नाम है, जिसका नाम है मोहम्मद सलाह, वो इनके साथ है। मतलब वो इजिप्ट से खेलता है, उसकी कंट्री इजिप्ट है, और उसी के साथ साथ और अच्छे मिडफील्डर्स, अच्छे स्ट्राइकिंग भी उनकी है। तो इजिप्ट टीम यहाँ पर आ गई है, और जबकि घाना के पास ज़्यादा प्रोफेशनल प्लेयर्स इतने अच्छे नहीं हैं। तो बात करें यहाँ पर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, देन इजिप्ट एंड घाना के अंदर मैं जो आपको टीम देने वाला हूँ, होपफुली आप उसमें जीतोगे। मुझे नहीं लगता कि आप ये मैच हारोगे, इट्स एन ईजी मैच, तो इसमें ज़्यादा सोचने में कोई टाइम वक्त बर्बाद मत करो। तो चलते हैं आगे। तो बात करें स्ट्राइकिंग सेक्शन से, सबसे पहले मैं लूंगा भाई मोहम्मद सलाह को, द ग्रेटेस्ट प्लेयर भाई, जिसकी मैं बात कर रहा था, मज़ेदार प्लेयर। पिछले मैच के अंदर असिस्ट तो की, लेकिन जो गोल आया था, मानता हूँ पेनल्टी गोल था, लेकिन पेनल्टी पे भी गोल करने का भाई दम चाहिए होता है हर बार, वो भी बहुत कम होता है जो मोहम्मद सलाह की पेनल्टी मिस हो। इतना अच्छा पेनल्टी टेकर भाई, बहुत कमाल है प्लेयर। उसके बाद पिछले मैच में हसन की जगह खिलाया मुस्तफ़ा मोहम्मद को, और अच्छा खेला बंदा। पिछले मैच के अंदर 1 गोल 1 असिस्ट, 3 बार गोल की ट्राई, और एक मेन वाइस कप्तानी वाला ऑप्शन भी बन के गया ये। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें, उनकी टीम में मेरी 2 प्लेयर नज़र में थे, एक जे अयव और एक इनाकी विलियम्स। इनाकी विलियम्स पिछले मैच के अंदर एज अ सब्स्टिट्यूशन आया था 28 मिनट के लिए, तो मुझे लगता है इनको इनाकी विलियम्स को प्लेइंग 11 में लाना चाहिए। अब ये बेवकूफ़ है भाई इनके मैनेजमेंट वाले कि ये इनाकी विलियम्स को नहीं खिला रहे। घाना वालों को इतनी अक्कल होनी चाहिए कि जे अयव से बड़ा प्लेयर है इनाकी विलियम्स, जो स्पेनिश लीग में खेलता है, तो मैं अभी इनाकी को ले रहा हूँ, नहीं खेलेगा तो मैं अयव को लूँगा। और मिडफील्डिंग की बात करें, ट्रेजेग्यूट पिछले मैच के अंदर फ्लॉप हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है मुझे इस बंदे पे। मतलब आप ये लगा लो, मैंने मुस्तफ़ा मोहम्मद को टीम में तो लिया था, लेकिन मैंने वाइस कैप्टन बिल्कुल भी मैंने बोला ही नहीं था किसी बंदे को कि रखो, क्योंकि ट्रेजेग्यूट इतना ट्रस्टफुल प्लेयर है। पिछले मैच में ट्रस्ट जरूर टूटा, लेकिन कोई बात नहीं। और मैक्स कुडूस को लूँगा, पिछले मैच में नहीं खेला, शायद आज वापसी करे। और मैक्स कुडूस के बाद अगर आपने एक प्लेयर बढ़ाना है ना, आप एक काम करो, नीचे से तो बहुत बेकार प्लेयर है बिल्कुल, सो आपके पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है एस सेमेन्यो। और सेमेन्यो को क्यों ले रहे हैं को बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इस बंदे को स्ट्राइकिंग आती है थोड़ी बहुत ही। एंड डिफेंडिंग की बात करें, हेगाजी के बाद द नेक्स्ट प्लेयर वॉज हैनी, ठीक है। हैनी के बाद जो हमारा अगला प्लेयर होगा, दैट वाज हामदी, क्योंकि मैं एम अब्दुल मोनीम को नहीं ले रहा। और एक प्लेयर जो हमने बढ़ाना है वो ऑपोजिशन टीम का होगा, दैट वाज ए डेजी क्यू। एंड बात करें गोल कीपिंग सेक्शन की, देन यहाँ पर है आर ओफोरी, क्योंकि एम एल शैनवी का इतना खास रोल नहीं रहने वाला। हाँ, रोल रहेगा अगर उनके बड़े प्लेयर खेलेंगे तब। बात करें यहाँ पर कप्तान की, देखिए कप्तान है मेरी टीम का मोहम्मद सलाह, और वाइस कप्तान लोग रख रहे हैं मुस्तफ़ा को, लेकिन मुस्तफ़ा मोहम्मद अच्छा है मानता हूँ भाई, लेकिन ट्रेजेगुट को जिस हिसाब से मैंने खेलते देखा है ना, वो दिमाग से निकलता नहीं है खेल। ट्रेजेगुट इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक लेवल हो, हर लेवल पे चलने वाला खिलाड़ी, तो आई एम गोइंग विद ट्रेजेगुट पर्सनली। आपने मुस्तफ़ा को रखना रख लो। तो ये मेरी टीम में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।